ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਮੈਂ ਸੋਮ ਸਹੋਤਾ। ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਏਵਨ ਪੰਜਾਬੀ ਟੀਵੀ। ਦੋਸਤੋ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕੱਲ 14 ਅਪ੍ਰੈਲ ਸੀ, ਡਾਕਟਰ B.R. ਅੰਬੇਡਕਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜਨਮ ਦਿਹਾੜਾ ਸੀ ਔਰ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਨੇ, ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਭਾਰਤੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਵਸੇ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਡਾਕਟਰ B.R. ਅੰਬੇਡਕਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜਨਮ ਦਿਹਾੜਾ 132ਵਾਂ ਬੜੀ ਧੂਮਧਾਮ ਨਾਲ ਮਨਾਇਆ। जे पंजाब सरकार दी गल करिए ते साडे फाइनेंस मिनिस्टर हरपाल चीमा जी ने भी डॉक्टर B.R. अंबेडकर साहब ने दबे कुचले लोकां लई किस तरह दीआं सुविधावां दित्तीआं ने, संविधान दे विच उहनां वास्ते की कहा है कि एजुकेशन जो है साडी जिंदगी दे विच रोशनी लिया सकदी है, एजुकेशन ही सानूं समाजिक दलदलां विचों बाहर कढ सकदी है। और पूरे दी पूरी जिहड़ी इह वीडियो है इह हरपाल चीमा जी वल्लों जारी कीती गई है, तुसीं वेख सकदे हो। तुहानूं सारिआं नूं बहुत बहुत मुबारकबाद और बाबा साहब भीम राव अंबेडकर जी की जयंती के उत्ते सारे नूं बहुत बहुत मुबारकबाद। अज एक इंपॉर्टेंट इशू के उत्ते तुहाडे नाल गलबात करन लई मुखातब होया कि पंजाब के अंदर जिथे जलंधर बायपोल हो रही आ, उहदे नाल दी नाल पंजाब इको सूबा गा जिथे बहु गिणती लगभग 34% आबादी जिहड़ी आ अनुसूचित जाति जनजातियां दी आ, दलित भरावां दी आ, उहनां नूं लै के कांग्रेस पार्टी पिछले 70 सालों तो लगातार पंजाब के दलतों की वोट बैंक बना के पंजाब के अंदर राज करती रही है। पर सहूलत अज तक पंजाब के जिन्हें भी गरीब लोग ने गे, जिन्हें भी दलित लोग ने गे, उन्होंने बल्कि गाहे बगाहे उन्होंने कांग्रेस पार्टी जी गुमराह करती रही है। बेसिक सहूलत जो बाबा साहब भीम राव अंबेडकर जी ने एक बुलंद आवाज कहा कि पढ़ो जुड़ो संघर्ष करो, जिहड़ी बेसिक सहूलत सी पढ़ाई एजुकेशन तमील तो कहां दूर जिहड़ा अज मैं समझदा अनुसूचित जाति दे विद्यार्थियों नूं बच्चियों नूं लंबे अरसे तो कांग्रेस पार्टी की सरकार दे समें जदों भी पंजाब दे अंदर कांग्रेस पार्टी की सरकार रही आ और वह सहूलतों तो जिहड़ा हैगा पंजाब विच वांझे रख्या गया। पंजाब दे अंदर थोड़े समय दे लई 3-4 महीनों दे लई चरणजीत सिंह चन्नी जी पंजाब दे मुख्यमंत्री बने, पहले अनुसूचित जाति दे मुख्यमंत्री बने। बनन तो बाद जो पंजाब के अंदर कोड ऑफ कंडक्ट जो इलेक्शन होने वाली सी चंद दिन पहला एक चैक जिहड़ा सी उन्होंने डेरा बल्ला दे संत जी नूं जिहड़ा समर्पित किया सीगा, पर लेकिन क्यों किया, 3 महीने 4 महीने 5 महीने 6 महीने पहला इलेक्शन का पता गा कि इलेक्शन इस महीने होनी आ, पर लेकिन 6 महीने तक उन्होंने कोई भी कार्रवाई नहीं की। लास्ट मूमेंट से जाके 2 दिन पहला जो पता सी कि कल कोड ऑफ कंडक्ट लग जाएगा, कोई काम नहीं होना, सिर्फ तो सिर्फ वोट लैण की राजनीति, एक काम की राजनीति आ, एक वोट लैण की राजनीति आ। वोट लैण की राजनीति के तहत कांग्रेस पार्टी ने उस समय के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी जी ने यह चैक जिहड़ा लास्ट टाइम से डिलीवर किया, लास्ट टाइम से डिलीवर किया ताकि जिहड़ा उत्थे जो अध्ययन सेंटर बनना सी गुरु महाराज जी के नाँ के उत्ते जो अध्ययन सेंटर बनना सी, वो सेंटर ना बन सके एक सोची समझी साजिश के अधीन कांग्रेस पार्टी ने चरणजीत सिंह चन्नी ने वो जो चैक सीगा वो फैगण के उत्ते जो कोड ऑफ कंडक्ट जो लगन वाला सी उदों जारी किया। पंजाब की विधानसभा के अंदर भी जो मैं सैकंड बजट पंजाब के अंदर पेश कर रहा सीगा और उस समय भी बहुत सारे कांग्रेस पार्टी के लैजिस्लेटर जिहड़े सी उन्होंने मंग उठाई सी कि एक साडिया स्कीम शुरू की सी। मैं सारिया स्कीमां दा कल्ली कल्ली स्कीम का जवाब दिता सीगा कि जो कोड ऑफ कंडक्ट लगन वाला सीगा, कोई स्कीम 2 दिन पहला लांच की, कोई स्कीम 3 दिन पहला लांच की, कोई 4 दिन पहला लांच की, यानी कि पूरे 4.5 साल कांग्रेस पार्टी को पंजाब का दलित याद नहीं आया, पंजाब के गरीब लोग याद नहीं आए, पंजाब के गरीब लोग गरीब बच्चों का जो स्कॉलरशिप का पैसा सीगा जिहड़ा उन्होंने मिनिस्टर साहब ने खाधा सीगा वो याद नहीं आया। ये कांग्रेस पार्टी की सरकार सी जिहदे समय पंजाब दे अनुसूचित जाति जनजाति विद्यार्थियों का स्कॉलरशिप का लगभग 64 करोड़ रुपया पंजाब दे अंदर खादा गया। ये किहदी सरकार सी पंजाब दे अंदर? कांग्रेस पार्टी की सरकार सी। और उस तो पहला जो पंजाब दे अंदर श्रोमणी अकाली दल BJP की सरकार सी, उन्हां दी सरकार दे समय इस वजीफे दे विच कपड़ा होया, बहुत बड़ा एक स्कैम होया, उहदी जांच करदे करदे उस कपड़े की जांच करते करते जिहड़ा श्रोमणी अकाली दल BJP के समय होया उस स्कैम नूं भी जारी रखिया और उस स्कैम चो भी पैसे खाधे। खुद नवा स्कैम सी जिहड़ा उह कांग्रेस पार्टी दे उन्हां दे MLA साहिबान मिनिस्टर साहिबान ने उस समय किया और चरणजीत सिंह चन्नी ने
एक कार्रवाई नहीं की थी किसी मिनिस्टर के खिलाफ, क्योंकि वह बतौर मुख्यमंत्री उस मिनिस्टर के खिलाफ, उस अफसर के खिलाफ, उस इंस्टीट्यूशन के खिलाफ जिन्हें बड़ा कपड़ा किया, कार्रवाई करते नहीं की थी, क्योंकि कोई भी दलतों के प्रति कोई भी मोह नहीं सी, कोई प्यार नहीं सी, बल्कि दलतों के नाँ के उत्ते, गरीबों के नाँ के उत्ते, अनुसूचित जातियों के नाँ के उत्ते वोट जी लैनी सी, इस गल करके कोई भी कार्रवाई नहीं की। उस समय पंजाब के अंदर जोड़े स्टूडेंट सके, जोड़े दलित स्टूडेंट से, गरीब स्टूडेंट सके, उन्होंने संख्या बहुत बुरी तरह डिकलाइन हुई सी, उन्होंने संख्या लगभग 1 लख तक रह गई सी, उस समय लगभग 1 लख तक रह गई सी, जानी कि 2.5-3 लख तो उपर होंगी सी। पर लेकिन सरदार भगवंत सिंह मान जी की सरकार आने तो बाद संख्या जी स्कॉलरशिप के अधीन बच्चे आते हैं, जेडे एससी बच्चे स्कॉलरशिप के अधीन आते हैं, अज उन्होंने संख्या बढ़ के 2.5 लख हो चुकी आ। एक गवर्नमेंट के पोर्टल के उत्ते वह बच्चों की गिणती जी बढ़ के 2.5 लख हो चुकी है, क्योंकि पंजाब के अंदर ईमानदार सरकार आई है, पंजाब के अंदर हरेक वर्ग का ख्याल रखने वाली सरकार आई है। अज उही गिणती जी 1 लख तो बढ़ के 2.5 लख क्यों होगी, क्योंकि पंजाब के स्टूडेंट्स नूं, पंजाब के दलित विद्यार्थियों, पंजाब के अनुसूचित जाति जनजाति के विद्यार्थियों को पता गा कि सानू स्कॉलरशिप मिलेगा, साडे स्कॉलरशिप दे विच कोई कपड़ा नहीं होना, कोई ठगी नहीं बजनी, सानू पूरी डिग्री मिलनी आ। इस गल करके अज जिहड़ी संख्या वध के 2.5 लख पंजाब दे अंदर हो चुकी आ। पंजाब दे अंदर जो गल बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी ने कहा सीगा, पढ़ो जुड़ो दी गल कीती सीगी, पढ़ो जुड़ो संघर्ष करो दी गल कीती सी, उस दे तहत, उस नारे दे तहत पूरी बुलंद तरीके दे नाल पंजाब दे अंदर सरदार भगवंत सिंह मान जी ने स्कूल ऑफ एमिनेंस खुलने स्टार्ट होए नेगे। पंजाब दा बच्चा बच्चा जानदा कि जिन्हें भी सरकारी स्कूल ने गे उन्होंने ज्यादातर बच्चों की भरमार जी, ज्यादातर वह बच्चे दाखला लेंदे ने गे जेडे गरीब ने गे, जेडे फीस नहीं दे सकते, जेडे दलित ने गे, जेडे अनुसूचित जातियों बिलोंग करते हैं, जेडे होर सोसायटी के गरीब विद्यार्थी ने उही जाके उत्थे एडमिशन लेंदे ने गे। सो उन्होंने स्कूल ऑफ एमिनेंस खोलना इस गल का प्रतीक है कि असी एजुकेशन नू, असी गरीब बच्चों की एजुकेशन उपर लैके जाना चाहते हैं, असी चाहते हैं कि गरीबों के बच्चे आम जो दिहाड़ीदार लोग ने गे, जो रिक्शा पुलर ने गे, जो बिल्कुल सुसायटी के नीचे आते हैं, उन्होंने बच्चे भी जो पढ़ के IAS बन, पढ़ के डॉक्टर बन, पढ़ के वकील बन, जज बन, पढ़ के IPS बन, ता ही जेकर स्कूल ऑफ एमिनेंस खोल रहा ता ही वह बच्चे डॉक्टर इंजीनियर बन गए, जेकर स्कूल ऑफ एमिनेंस दाखला होगा स्कूल ऑफ एमिनेंस बनने स्टार्ट हुए जी। गरीब विद्यार्थियों के प्रति जी आम आदमी पार्टी की पहुंच आ सरदार भगवंत सिंह मान जी की पहुंच आ। इसे तरह पंजाब के अंदर 300 यूनिट जड़े 300 यूनिट असं फ्री ऑफ कॉस्ट इलैक्ट्रिसिटी दे रहे, वो कोई 1 किलो बार की शर्त नहीं हैगी, कोई 2 किलो बार की शर्त नहीं हैगी, कोई आमदन की शर्त नहीं हैगी। कांग्रेस पार्टी के समय पता नहीं किनिया शर्त लाइया हुई, वखरिया वखरिया शर्त, वड्डिया वड्डिया शर्त कि 1 किलो बार तो थले लोड़ रहना चाहिए गा, 1 किलो बार तो थले लोड़ का मतलब है कि सिर्फ जो गरीब बच्चा व्यक्ति सीगा उहदे घर सिर्फ तो सिर्फ एक बल्ब जग सकता सीगा, इस तो सिवाय कुछ नहीं हो सकता सी। आम आदमी पार्टी की सरकार आई आ 300 यूनिट जिथे सारी सोसायटी दे रहे गे, उत्थे दलतों के उत्ते भी कोई भी किसी भी किस्म की जी असी शर्त नहीं लगाई कि उन्होंने जी इस शर्तों के तहत बिजली मिलेगी, मुफ्त बिजली मिलेगी। सो एक बड़ा फैसला जो मैं समझता पंजाब के दलतों के पक्ष के सरदार भगवंत सिंह मान जी ने लिया। मैं कांग्रेस पार्टी के सबका मुख्यमंत्री पूछना चाहना गा कि जो पंजाब के अंदर लगभग 128 मौत हुई जहरीली शराब पीण के नाल तुहाडा मूँह क्यों बंद सीगा, की तुसी उदों भुल गए सी कि तुसी दलित हो, अज तुसी मगरमच्छ के हंझू बहा रहे हो पंजाब के बैठ के वोटों का समा गा कि हाँ जो पंजाब के दलतों वोटा लैनिया ने कि पंजाब के अनुसूचित जाति जनजाति लोगों वोटा लैनिया ने, अज तुसी मगरमच्छ के हंझू बहा रहे हो, कि तुसी उदों मूँह खोलिया सीगा जदों तुहाडे भतीजे भुपिंदर सिंह हनी दे कोलों करोड़ां रुपया ईडी ने बरामद किया सीगा, उदों तुसी क्यों चुप सीगे, क्योंकि पंजाब के अंदर कांग्रेस पार्टी की सरकार ने, पहला कैप्टन साहब ने, उस तो बाद चरणजीत सिंह चन्नी की सरकार ने लगातार पंजाब के अंदर भ्रिष्टाचार का अड्डा खोलिया होया सी। पंजाब के अंदर थां थां ते पंजाब के अंदर बोलियां लगदियां सी बदलियां दियां, पंजाब के अंदर भ्रिष्टाचार सिखरां दे उत्ते पहुंचा होया सीगा, तां ही अज इन्हां दे बहुत सारे मिनिस्टर कोई बीजेपी की शरण लै रहा और बहुत सारे जिहड़े अज उह
ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਨੇ ਫੜੇ ਹੋਏ ਨੇਗੇ, ਕੁਛ ਅਦਾਲਤਾਂ 'ਚ ਬੈਠੇ ਨੇਗੇ, ਕੁਛ ਦੇ ਕੇਸ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇਗੇ ਉਹ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇਗੇ। ਸੋ ਬਿਲਕੁਲ ਅੱਜ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਅੱਜ ਇੱਕ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਬਚਾਓ, ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬੀਜੇਪੀ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਮਿਲ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਾਇਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਅੱਜ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਮੁਹਿੰਮ ਨੇ ਚਲਾਈ ਹੋਈ ਆ। ਪਰ ਲੇਕਿਨ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸਰਦਾਰ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਜੀ ਨੇ ਬੇਹੱਦ ਇਮਾਨਦਾਰ ਵਿਅਕਤੀ, ਅਸੀਂ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦਾ ਖਾਤਮਾ ਕਰਨ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਈ ਹੋਈ ਆ। ਬਿਲਕੁਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਵੀ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਖਤਮ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਸ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਵਜ਼ੀਫਾ ਖਾਧਾ ਗਾ, ਇਸ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਵਰਦੀਆਂ, ਗਰੀਬ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੇ ਵਰਦੀਆਂ ਖਾਧੀਆਂ ਨੇਗੀਆਂ, ਇਸ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨੇ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਲਾਜ, ਜਿਹੜਾ ਮੁਫਤ ਇਲਾਜ ਹੋਣਾ ਹੁੰਦਾ ਗਾ ਉਹਦੇ ਪੈਸੇ ਖਾਧੇ ਨੇਗੇ। ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣੀਆਂ ਸੀ, ਅੱਜ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਸਮੇਂ ਦੇ, ਪੁਰਾਣੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਸੀਗੀਆਂ, ਅੱਜ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਦਾ ਪੈਸਾ ਜਿਹੜਾ ਕੱਲਾ ਕੱਲਾ ਪੈਸਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ 'ਚ ਵੀ ਪਹੁੰਚ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਸਕੀਮਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਔਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜਦੋਂ ਸੰਤ ਬੱਲਾ ਡੇਰੇ ਦੇ ਸੰਤ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ, ਬਿਲਕੁਲ ਜਿਹੜਾ ਅਧਿਐਨ ਸੈਂਟਰ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਅਧਿਐਨ ਸੈਂਟਰ ਬਣਨਾ ਸੀਗਾ ਉਹਦੇ ਲਈ 25 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ 31 ਮਾਰਚ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਾ। ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਵੀ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ, ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਵੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵੋਟਾਂ ਲਈ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਫੈਗਣ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਢੇ 4 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ, 3 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਜਾਂ 2027 ਦੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਮੂਹਰੇ ਰੱਖ ਕੇ ਜਾਂ 2024 ਦੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਮੂਹਰੇ ਰੱਖ ਕੇ ਉਹ ਪੈਸੇ ਜਾਰੀ ਕਰਦੇ। ਪਰ ਲੇਕਿਨ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆ, ਬਿਲਕੁਲ ਜਿਹੜੀ ਕਮਿਟਮੈਂਟ ਆ, ਜੋ ਸਾਡੀ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਮਿਟਮੈਂਟ ਆ, ਉਹ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਦਾ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਹਾਂਗੇ। ਸੋ ਬਿਲਕੁਲ ਉਹ ਪੈਸੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇਗੇ ਅਸੀਂ ਸਮਾਂ ਰਹਿੰਦੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਨੇਗੇ। ਔਰ ਮੇਰੀ ਖੁਦ ਸੰਤਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੋਈ ਆ ਬੈਠ ਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਸਾਡੇ ਦਾ ਵਜਿਆ ਕਿ ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਅਧਿਐਨ ਸੈਂਟਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਬਣੂਗਾ। ਔਰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਜਿੰਨੀਆਂ ਗਰੰਟੀਆਂ, ਜਿੰਨੇ ਵਾਅਦੇ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਜੀ ਨੇ, ਜਿੰਨੇ ਵਾਅਦੇ ਸਰਦਾਰ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਜੀ ਨੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਕੀਤੇ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਵਾਅਦੇ ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਪੂਰੇ ਹੋਣਗੇ। ਪਰ ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਫਿਰ ਦੁਹਰਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਗਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਾਂਗੇ। ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਦਲਿਤਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਮਗਰਮੱਛ ਦੇ ਹੰਝੂ ਵਹਾ ਰਹੇ ਨੇਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਜੀ ਦਲਿਤਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਮਗਰਮੱਛ ਦੇ ਹੰਝੂ ਵਹਾ ਰਹੇ ਨੇਗੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਗਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਲਿਤਾਂ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਪੈਸਾ ਖਾਧਾ ਗਿਆ, ਜਿਹੜੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੇ ਪੈਸੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਆਉਣੇ ਸੀ ਉਹ ਪੈਸੇ ਖਾਧੇ ਗਏ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦਲਿਤਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਖੇਡਾਂ ਖੇਡੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਲੇਕਿਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਲਿਤਾਂ ਨੂੰ, ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਕੀਮ ਦਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਬਿਲਕੁਲ ਹੁਣ ਲਗਾਤਾਰ ਜਿੰਨੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਸਰਦਾਰ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਜੀ ਅਨਾਊਂਸ ਕਰਦੇ ਨੇਗੇ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਅਸੀਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਭੀਮ ਰਾਓ ਅੰਬੇਡਕਰ ਜੀ ਦੀ ਪਿਕਚਰ ਫੋਟੋ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਰੇਕ ਅਦਾਰੇ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਨਤਕ ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਕਾਂਗਰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਆਇਆ 75 ਸਾਲ ਇਹ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਮੂਰਤੀ ਲਾ ਕੇ ਵੋਟਾਂ ਬਟੋਰਦੇ ਰਹੇ, ਪਰ ਲੇਕਿਨ ਕਦੇ ਸਨਮਾਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈਗਾ। ਪਰ ਲੇਕਿਨ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਆ ਚਾਹੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਆ, ਲਗਾਤਾਰ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਭੀਮ ਰਾਓ ਅੰਬੇਡਕਰ ਜੀ ਦਾ ਸਨਮਾਨ, ਸ਼ਹੀਦ ਆਜ਼ਮ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਬਿਲਕੁਲ ਬਰਕਰਾਰ ਆ। ਬਿਲਕੁਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਅਸੀਂ ਲਗਾਤਾਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਸੇਧ ਲੈ ਕੇ ਲਗਾਤਾਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਔਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਮਗਰਮੱਛ ਦੇ ਹੰਝੂ ਵਹਾਉਣੇ ਬੰਦ ਕਰੋ, ਜਿਹੜਾ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਕੀਤਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਗਾ ਕਿ ਕਿੱਡੇ ਕਿੱਡੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਬੈਗ, ਪੈਸਿਆਂ ਦੇ ਭਰੇ ਹੋਏ ਬੈਗ ਤੁਹਾਡੇ ਭਤੀਜੇ ਤੋਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਤੋਂ ਬਰਾਮਦ ਹੋਏ ਸੀਗੇ। ਹੁਣ ਜੇਕਰ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੁਲਾ ਰਹੀ ਆ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਡਰਾਮੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਡਰਾਮੇ ਕਰਨੇ ਬੰਦ ਕਰੋ, ਸਿੱਧੇ ਜਾ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦਾ ਨੂੰ ਫੇਸ ਕਰੋ। ਧੰਨਵਾਦ। ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਸਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿ 16 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ